क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि सुबह के पहले घंटे में ही सबसे ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है? और जानिए इस वीडियो के अंदर वो कुछ खास सीक्रेट जिससे आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग के मास्टर बन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस ट्रेडिंग चैनल पर। अगर आपने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है मॉर्निंग में ट्रेड करके। तो कुछ यहाँ पर सुबह की ट्रेडिंग के कुछ असली राज जान लीजिए जो खास कहा जाता है जिनके, कि सुबह का टाइम आखिर ज़रूरी क्यों होता है। क्योंकि सुबह का टाइम इसलिए ज़रूरी होता है, कुछ लोग जॉब पर जाते हैं, कुछ लोग एज आ ट्यूशन जाते हैं, कुछ लोग एज आ कंपनी में वर्क करते हैं, तो कुछ का 9:30-10 बजे इतने बजे से शिफ्ट वगैरह लगती होंगी, तो वो लोग अपना ईजीली मैनेज कर सकते हैं या कुछ अपने काम के साथ साथ एक मॉर्निंग में ट्रेड लेकर और सारा दिन अपने काम पर ध्यान देते हैं जो दूसरा काम बेहतर करते हैं। जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह वीडियो भी हो सकती है। अगर आप वो मॉर्निंग में अपना ट्रेड करते हैं और उसके बाद कुछ और स्टडी वगैरह कर लेते हैं कुछ भी, तो वो कर सकते हैं। सुबह मार्केट जब खुलती है तो मार्केट में ज़बरदस्त एक वॉलेटिलिटी रखा जाता है, अच्छा खासा वॉल्यूम का बढ़ती है जिससे अच्छा खासा अप एंड डाउन की तरफ मूवमेंट करती है, और मार्केट ये बताती है कि मार्केट आज के दिन कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है। शुरुआती ट्रेड में आपको ये चीज़ें सेट करनी होंगी, जैसे कुछ मैं बता देता हूँ आपको। शुरुआती ट्रेड के अंदर आपको सेट करना होगा कि आप किस तरीके की ट्रेड ले रहे हैं, किस हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है और आप डिसिप्लिन है या नहीं। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, मिलते हैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। हम दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आपको मॉर्निंग में ट्रेड लेने की इजी तरीके से आसानी होगी। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेटअप की। सबसे पहले हमारा जो सेटअप रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा सेटअप रहता है 5 EMA का। कौन सा? 5 EMA का। और इसी 5 EMA से हम क्या करते हैं, ये HDFC बैंक है, जैसे HDFC बैंक को क्या करते हैं, HDFC बैंक ले लिया हमने मान लीजिए, और 5 मिनट टाइम फ्रेम रख लिया और हमने 5 EMA। आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, EMA सेट करेंगे, ये आपको 9 पे मिलेगा, आपको चेंज करके इसको 5 पे कर देना है। 5 पे करने के बाद जैसे ही मैं आपको इसके क्राइटेरिया समझा देता हूँ किस तरीके से यह मार्केट मूव करती है, किस तरीके से यह सेटअप काम करता है। अब मान लीजिए ये एक अच्छा खासा ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है और कोई एक नेगेटिव कैंडल इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनती है और वहीं से ट्रेंड जो है आना शुरू हो जाता है, और ये 5 EMA साथ साथ चलती रहती है, जिसके बाद ऐसा हो जाता है। और ऐसा होने के बाद मार्केट के अंदर क्या रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट के अंदर जहाँ से मार्केट मान लीजिए यहाँ से चेंज हुआ, तो जैसे ही इसका लो क्रॉस हुआ, लो क्रॉस होते ही हमने बाय कर लिया PE, ठीक है, या फिर CE को जो है हम सेल कर देते हैं, ठीक, और उसके हाई पर SL रख लेते हैं। ऐसे करके हम जो है पुट साइड की मूवमेंट बना सकते हैं। और वहीं पर अगर इसको हम इन्वर्टेड कर दें तो यहीं से एक इन्वर्टेड टाइप हैमर कैंडल बनती है और वैसे ही मार्केट मूव करती हुई चली जाती है। इस तरीके से मार्केट मूव करती हुई दिखाई देती है। यहाँ के इस कैंडल के हाई के ऊपर हम CE को बाय कर लेंगे और PE को सेल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और इस कैंडल के लो को, जो ये लो दिखाई दे रहा है, इस लो को हम यहाँ पर बाय कर लेंगे, इस लो को हम SL स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है। आपका सबसे पहले SL हो गया और आपकी एंट्री हो गई, और एग्जिट आप हम 1:2 का रखेंगे, ठीक। इतनी चीज़ें आपकी आप लोग समझिए, इजी तरीके से लीजिए और ये अच्छी खासी ट्रेड हो सकती है। यहाँ पर चलिए आइए इसका सेटअप का हम एक बार दिखा देते हैं। अगर आप इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक फुल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके भी बताइएगा। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए HDFC बैंक ने इस लेवल पर आकर हमें SL दिया और यहाँ पर हमने बाय दिया, और बाय देने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा इस रेजिस्टेंस तक आई, अच्छा खासा ये मूवमेंट कर सकता है। इस स्ट्रेटजी, इस सेटअप को आप लोग फॉलो करिए, अच्छा खासा ट्रेड करिए, और जिसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर अगर आप आएंगे यहाँ पर अगर आप आए और आपको दिखाई देगा,
आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें सीई की फॉर्मेशन मिली जिसके चलते मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में गया। यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला पीई मतलब पुट, और यहाँ पर मिला हमने सीई मतलब बाय, और यहाँ पर सेल। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और आइए चलते हैं हम दूसरी स्ट्रेटजी की ओर। अब मान लीजिए हम 5 AM में यूज़ नहीं करते, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम रख लेते हैं हम 30 मिनट। सबसे पहले मैं आपको 30 मिनट का एक लॉ समझा देता हूँ किस हिसाब से क्या होगा इसके अंदर। चलिए यहाँ पर देखिए, 30 मिनट का, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब भी कोई कैंडल बनती है उसका लो या हाई क्रॉस कर दिया। मान लीजिए इसने हाई क्रॉस किया तब ये सीई बाय करेंगे, और अगर यहाँ पर किसी ने लो क्रॉस किया तब हम पीई बाय करेंगे, और उस कैंडल की हाई का हम एसएल रख लेंगे। यहाँ पर सीई जब बाय करेंगे तो इस कैंडल की लो का हम एसएल रख लेंगे। इतना ईजी होगा आप सबके लिए। चलिए इसको देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर देखिए ये मार्केट 30 मिनट की पहली कैंडल बनी और ये आगे हाई, और ये मार्केट अप ट्रेंड में। यहाँ पर देखिए हाई एंड लो, इसके बाद मार्केट यहाँ तक हाई ट्रेंड में। ये मार्केट का हाई रहा, ये मार्केट का लो रहा, तो मार्केट साइडवेज, नो ट्रेडिंग डे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर हाई और लो, मार्केट अप गया, फिर से डाउन आया, फिर डाउन आने के बाद मार्केट एक पूरा साइडवेज रहा। इस दिन में नहीं ट्रेड, या फिर चलिए लॉस मान लेते हैं। ठीक, आगे चलिए, फर्स्ट सेकंड कैंडल लो क्रॉस किया पर मार्केट चेंज कर दिया, और उसके बाद हमारा एसएल हिट हो गया। ऐसे करके आप लोग अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मॉर्निंग टाइम फ्रेम पर। अगर आपने हमारा डेली 5K ट्रेडिंग कैपिटल चैलेंज नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखी, आप उसे देखिए एक बार, समझिए किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। और लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।